डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, काबीना मिशन मंसूबा 1946। 1945 में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट ब्रिटेन में आ गई, नई गवर्नमेंट। उन्होंने ऐलान किया कि इंडिया के पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, और इसी कोशिश का पार्ट था कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि इंडिया में 46 में भेजा गया। इसके मेंबर्स थे ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स सर स्टैफर्ड क्रेप्स, मिस्टर एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। British Cabinet Mission Plan was the last effort of the British government to keep India united. British Cabinet Mission ने Indian leaders से बात की और Governor General का view point भी मालूम किया। Congress और Muslim League दोनों का view point बहुत different था। Muslim League creation of Pakistan चाहती थी और Congress two nation theory के ख़िलाफ़ थी और India की division के ख़िलाफ़ थी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी थी जब मिशन को इंडिया भेजा जा रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि कोई भी माइनॉरिटी जो है वो नेशनल डेवलपमेंट की राह में रुकावट खड़ी नहीं कर सकती। उन्होंने जानबूझकर मुस्लिम लीग को हिट किया था। कांग्रेस इस बात पर बहुत खुश हुई कि मुस्लिम लीग को क्रिटिसाइज़ किया है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने। कायदे आज़म ने इस बात का बहुत पुरसकून तरीके से जवाब दिया। कायदेजम ने कहा कि हम टू नेशन थेरी पर बिलीव करते हैं और मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और मुस्लिम्स को एज अ सेपरेट नेशन उनके पूरे पूरे राइट्स मिलने चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान के प्रपोज़ल क्या था, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे? इंडियन लीडर्स के साथ तो कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका। मिशन ने अपनी तरफ से एक प्लान दे दिया। उसके मेन पॉइंट्स ये हैं: नंबर वन, सब कॉन्टिनेंट एक यूनियन होगा, इंडिया को डिवाइड नहीं किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट होंगे, और यूनियन की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, उसको फाइनेंसेस को रेज करने के लिए पावर्स भी दी जाएंगी। जाहिर है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए होगा। ऑल सब्जेक्ट्स, इसके अलावा जितने भी दूसरे अख्तियार आते हैं, वो सब सूबों को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। प्रोविंसेस की ग्रुपिंग की जाएगी। ग्रुप ए में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, सीपी, बिहार और उड़ीसा। यूपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड प्रोविंसेस, सीपी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोविंसेस। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, पंजाब, NWFP और बलूचिस्तान से जो आज के पाकिस्तान के सूबे हैं, और ग्रुप सी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे, बंगाल और आसाम, जो कि आज का बांग्लादेश है। कैबिनेट मिशन प्लान में सेंट्रल, प्रोविंशियल और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड की गई थी। सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स तो इसमें बयान की गई थी प्लान में, लेकिन प्रोविंसेस और ग्रुप्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का जिक्र नहीं था। ये कहा गया था कि प्रोविंसेस और ग्रुप्स खुद डिसाइड करेंगे कि उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो हैं वो किन बेसिस पे की जाएंगी। इसके अलावा सीट्स की डिवीजन, प्रोविंसेस और सीट्स, स्टेट्स को कितनी सीट्स मिलेंगी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, उनकी आबादी के लिहाज से सीट्स मिलना थी। जिस प्रोविंस की जितनी आबादी थी, उस लिहाज से सेंट्रल लेजिस्लेचर में उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना थी। थर्ड पॉइंट था इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स ने इलेक्ट करना था। उर्दू में हम सेंट्रल लेजिस्लेचर को कहेंगे मरकजी मुकन्नना। मरकजी मुकन्नना के मेंबर्स को सूबाई असेंबलियों के मेंबरान ने मुंतखब करना था, और जो ऑल द थ्री प्रोविंशियल ग्रुप्स विल प्रिपेयर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसके बाद जो थ्री प्रोविंशियल ग्रुप्स हैं वो अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, क्यों बनेगी? क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, एक आर्जी हुकूमत होगी, उसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, उर्दू में कहते हैं अबूरी हुकूमत। कोई भी ब्रिटिश मेंबर जो है इस काबीना का हिस्सा नहीं बनेगा, जो इंटरिम गवर्नमेंट में कैबिनेट बनेगी, सारे इंडियन मेंबर्स होंगे, और कोई भी प्रोविंस चाहे तो अपना ग्रुप चेंज कर सकता है और अपनी मर्ज़ी से कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। और सेपरेशन फ्रॉम यूनियन, अगर कोई एक सूबा या दो सूबे अपने तीनों ग्रुप्स में से किसी ग्रुप से अलहदा होना चाहते हैं तो वो इसका इख्तियार रखते हैं, लेकिन वो 10 साल बाद ही उससे अलग हो सकते हैं। इसका मतलब है कि 10 साल बाद पाकिस्तान बनने के चांसेस प्रोवाइड कर दिए गए थे। कांग्रेस को खुश करने के लिए एक पॉइंट ये रखा गया था, वीटो पावर, कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी प्रपोजल्स को नापसंद करती है, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स को, तो वो इसको रिजेक्ट कर सकती है। हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करे।
अब रिएक्शन क्या था पॉलिटिकल पार्टीज का कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो इस पे बहुत खुशी मनाई, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उन्होंने कहा, नेहरू ने कहा कि इसमें जिना का पाकिस्तान जो है वो दफन हो चुका है इस मंसूबे में। मुस्लिम लीग जो है वो बहुत परेशान हुई काबीना मिशन मंसूबे पर, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जो डिमांड है वो उसको क्लियर कट एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लेकिन कायद अजम ने मुस्लिम लीग के लीडर्स के साथ बातचीत की और लॉन्ग डेलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद कायदे आजम ने इस मंसूबे को एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि कायदे आजम का ख्याल था कि 10 साल बाद इसमें पाकिस्तान बनने के चांसेस मौजूद हैं। कांग्रेस इस बात से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि कायदे आजम ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करने का ऐलान क्यों किया है। कांग्रेस का अपना डिसीजन क्या था कि उन्होंने हाफ प्लान को एक्सेप्ट किया और हाफ को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स जो है प्रोविंशियल ग्रुप्स उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उसूल के तौर पर उसूली तौर पर यह होना था कि मुस्लिम लीग को गवर्नमेंट बनाने की दावत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पूरा प्लान एक्सेप्ट कर लिया था और कांग्रेस ने हाफ प्लान एक्सेप्ट किया, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बीट्रे किया, उसने धोखा दिया और उन्होंने कांग्रेस को इनवाइट कर लिया गवर्नमेंट बनाने के लिए, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग को इन्वाइट नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी धांधली थी, एक बहुत बड़ी करप्शन थी ऑन द पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कायद अजम ने बहुत ज़्यादा उनको अफसोस हुआ और उन्होंने फिर मुस्लिम अवाम को ये ताकीद की, उनको मशवरा दिया कि वो डायरेक्ट एक्शन डे मनाएं। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, इसे उर्दू में कहते हैं योम रास्त इकदाम। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने योम रास्त इकदाम मनाया, और ये योम रास्त इकदाम क्या था, ये मुस्लिम इट वॉज मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रीट पावर ऑफ मुस्लिम मैसेस अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विच वॉज शोन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो गद्दारी की थी, जो मकारी की थी, जो बदअहदी की थी, उसके खिलाफ मुस्लिम आवाम ने एहतजाज किया, जलसे और जुलूस पुरअमन थे, और उन्होंने इस तरह से अपना एहतजाज डायरेक्ट एक्शन डे के ज़रिए रिकॉर्ड करवाया और अपनी स्ट्रीट पावर शो की।